भगवान शिव की कहानी तो आपने सुनी ही होगी। महाकाल ने अपने संपूर्ण जीवन में अनेकों लीलाएं की हैं। इनके इस देश में हजारों संख्या में मंदिर भी हैं। भगवान आज भी बहुत ज़्यादा हर जगह पूजे जाते हैं। भगवान शिव को जगह जगह पर बहुत ही सच्चे मन से पूजा जाता है। इनके इस दुनिया में हजारों नाम भी हैं। भोलेनाथ को कई सारे नाम से पुकारा जाता है। आपको बता दें, तमाम सारी लीला से परे भगवान शिव की एक लीला ये भी है, जहां उन्होंने संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकले प्रलयकारी हालाहल विष को पी लिया था। जी हां, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। इसी से भगवान शिव का गला नीला पड़ गया था। इसी के चलते भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ भी है। चलिए आज हम आपको बताते हैं उस जगह के बारे में जहाँ भगवान शिव ने विष पिया था। आपको बता दें, अमृत पाने की इच्छा में जब देव दानव बड़े जोश और वेग से मंथन कर रहे थे, उस समय अचानक से समुद्र में कालाकूट नाम का भयंकर विष निकला। बताया जाता है ये विष इतना विषैला और जहरीला था कि इसके निकलते ही उसकी आग से चारों दिशाएं जलने लगी, साथ ही तबाही का मंजर सामने आने लगा। चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता, राक्षस, ऋषि मुनि, मनुष्य, गंधर्व और यक्ष विष की गर्मी से जलने लगे। ऐसा देख भगवान भोलेनाथ पर रहा नहीं गया और पूरी दुनिया को बचाने के लिए खुद भगवान भोलेनाथ ने उस विष को पी लिया। जब महादेव इस विष को ग्रहण कर रहे थे, तब उसी समय उनकी पत्नी माता पार्वती ने उनका गला दबाए रखा, जिसके चलते विष उनके दिल तक नहीं पहुंच सका था। सारे के सारा विष उनके गले में बना रहा। ऐसा होने के बाद ही उस विष के प्रभाव से उनका गला नीला पड़ गया था और उन्हें नीलकंठ के नाम से जाने जाना लगा। यह मंदिर उत्तराखंड में बना हुआ है। बता दें, स्वर्ग आश्रम की पहाड़ी की चोटी पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव की करुणा को दर्शाता है। यहां आज भी प्रसाद के रूप में भभूत दिया जाता है। इस मंदिर की सुंदरता आज भी देखते ही बनती है। ठीक सामने की पहाड़ी पर शिव की पत्नी देवी पार्वती का भी विशेष और विशाल मंदिर है। नेक्स्ट 9 भक्ति सागर से आकाश की रिपोर्ट।